आगे बढ़ते हैं और क्योंकि भारतीय बाजारों की बात हो रही है, ऐसे में बहुत निवेशक हमसे ये भी सवाल पूछते हैं, बहुत दर्शक ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि अगर उनको डाइवर्सिफाई करना हो इंटरनेशनली तो किस तरह से किया जाए, या क्या ये सही समय है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी बाजारों में थोड़ा सा एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रखने का। इसी पर हम बात करते हैं। उज्ज्वल शाह चीफ इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट और फंड मैनेजर IIFL सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्ज्वल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बहुत सारे लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो सबको बस यही हम कहते हैं कि फिलहाल भारत की जो स्थिति है वो सभी पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो काफ़ी मजबूत है। तो सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो ऐसे बनाइए जहां पर आप घरेलू बाजार में अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड हो, एसेट एलोकेशन आपका सही हो। लेकिन विदेशी बाजारों के बारे में अगर मुझे आपसे पूछना है, रिसेशन है, स्लो डाउन है, इन तमाम चिंताओं को ध्यान में रखते हुए क्या सीमित रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अपने पोर्टफोलियो को आप विदेशी टच दे सकते हैं क्या? थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि करंटली भारत में ही निवेश करने के लिए इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि भारत खुद इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है ये साल, और अगले साल भी वो टॉप टू में हो सकती है, कंसिडरिंग के दूसरी बड़ी इकोनॉमीज ऑलरेडी स्लो डाउन देख रही है खुद के इकोनॉमिक कंडीशंस में। तो इसके चलते हुए निवेशकों को यही कहना चाहूंगा कि भारत में ज्यादा इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ की अपेक्षा है आगे चलते हुए। अब जब कमोडिटी साइकिल में भी हम लोग देख रहे हैं कि करेक्शन आ रहा है, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा भारतीय कंपनियों को अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए। उसी समय ये भी जरूरी है कि हम एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ले सके। तो मैं कहना चाहूंगा निवेशकों को कि अपने पोर्टफोलियो का 4-5% अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो ग्लोबल स्टॉक्स में कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत जरूरी है जानना कि अब ग्लोबल स्टॉक्स में ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, अनलाइक 2 साल पहले प्री कोविड के टाइम पे जब निवेशक इजीली पैसे बना सकते थे ग्लोबल मार्केट्स में। अभी जब ग्लोबल मार्केट्स, मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज इतना टफ सिचुएशन खुद अपने इकोनॉमी में देख रही है, ऐसे टाइम में निवेशकों को ये बहुत जरूरी है जानना कि रिसर्च करके इन्वेस्ट करें ग्लोबल स्टॉक्स में। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े से ना बच्चे, तो काफ़ी विस्तार से आपने सवाल का जवाब दे ही दिया है, लेकिन जोखिम वाले जो पॉकेट्स हैं ना, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। जब आप विदेशी बाज़ारों में निवेश करना चाहते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो कौन कौन से जोखिम है जिनसे आपको बचना चाहिए? मौजूदा स्तर में हम केवल इकोनॉमिक स्लोडाउन और रिसेशन की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे करेंसी प्ले भी फैक्टर इन करता है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए? इसके अलावा रेड फ्लैग्स कौन कौन से हैं? बिकॉज ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो कि हमने देखा पैंडेमिक के बाद, शायद उज्ज्वल आप भी इस बात को मानेंगे कि बहुत सारे निवेशक इनोवेटिव थीम्स की तलाश में होते हैं और अलग अलग सेक्टर्स में उनको निवेश करना होता है जो कि ग्लोबली भी बहुत दमदार तरीके से काम कर रही हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में वो एक सही चीज़ है जो शायद आपको करनी चाहिए, लेकिन इनोवेटिव थीम्स के चक्कर में आप इतना भी कहीं रिस्क ना ले लें जहाँ पर आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई जो है वो पूरी तरह से डूब जाए। तो रेड फ्लैग्स कौन कौन से होंगे जो हमें कंसिडर कर लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना ये ट्रेंड देखते हुए AMC भी हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ आपको इनोवेटिव थीम्स पर फंड्स लाती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना? तो एक आम निवेशक जिसके पास पहले ही जानकारी नहीं है या जानकारी कम है अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर, वो इस तरह की चीज़ों में विश्वास करने लगता है और बाद में अपनी पैसे उसमें लगा देते हैं। श्योर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और आई एम श्योर निवेशकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे सेक्टर्स जो पिछले साइकिल में चले वो जरूरी नहीं कि अगले साइकिल में भी चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना कि कोविड और प्री कोविड के टाइम पे US मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स लिक्विडिटी से फ्लश थे, और इसीलिए बहुत ऐसी न्यू एज कंपनीज थी जिनको फंडिंग
दी जा रही थी, बट उन दे वर बर्निंग प्रॉफिट्स, वो लोग कैश बर्न कर रहे थे, प्रॉफिट्स बना नहीं रहे थे, उनका सिर्फ एक ही फोकस था मार्केट शेयर गेन करना। आज वही कंपनीज को वो फंडिंग ड्राई अप होते हुए वो बहुत चैलेंज फेस कर रही है फ्यूचर ग्रोथ लाने में। तो निवेशकों को जानना ये जरूरी है कि अब जब इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग हो रहा है और जब साइकिल पूरा चेंज हो चुका है, यूएस में भी वो लिक्विडिटी टोटल टाइटन अप कर दी है, ऐसे टाइम में ऐसे न्यू एज स्टॉक्स जो ऑलरेडी कैश बर्न कर रहे थे, जो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहे, या फिर ऐसी कंपनियां जो ज्यादा डेट लेके ग्रो करने की कोशिश कर रही थी, ऐसी कंपनियों से दूर रहे। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जैसे गूगल है, एप्पल है, जो अपने मार्केट में लीडर्स है, जो ऑलरेडी बहुत सारा कैश फ्लो जनरेट करते हैं और जो आगे भी, देर आर नो नियर टर्म चैलेंजेस ऐसी कंपनियों को जो उनका मॉडल डिसरप्ट कर दे। ऐसी कंपनी अगर आपको अच्छे भाव में करेक्शन के टाइम पे मिल जाए तो SIP मोड में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि वो न्यू एज कंपनीज जो कि बहुत कैश और प्रॉफिट्स बर्न कर रही है। ऑलराइट, चलिए अब जी जी अच्छी कही सॉरी और एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही वो है करेंसी। सो करेंसी पे भी व्यू रखना बहुत जरूरी है। ऑल्दो लास्ट इतने टाइम में बिकॉज करेंसी INR इतना डेप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट USD, तो हिस्टोरिकल स्टडी के हिसाब से अगर इंडियन निवेशकों ने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता इन डॉलर टर्म्स और आज अगर वो डॉलर टर्म्स में से रुपी टर्म में कन्वर्ट करते तो उनको INR डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता। तो एक है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और जो शेयर्स में जो ग्रोथ मिली वो तो मिला ही मिला प्रॉफिट आउट ऑफ द शेयर इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर उनको INR डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिला। तो अगर व्यू ऑन INR डेप्रिसिएशन है कि आगे चल के भी INR फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा और कंसिडरिंग अपना इन्फ्लेशन लेवल्स जिस तरह से है एज कम्पेयर टू द डेवलप मार्केट्स, सम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years INR में और भी हो सकता है। तो इंडियन निवेशकों के लिए तो ये बेनिफिशियल होगा कि अगर कोई अच्छा स्टॉक वो ले सकते हैं तो फ्यूचर में उनको उनके प्रॉफिट्स और INR डेप्रिसिएशन दोनों का बेनिफिट मिल सकता है। ऑलराइट, लेकिन उज्जवल एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करने के विकल्प के लिहाज से समझना चाहें तो यहाँ पर सेबी की कैपिंग की वजह से बहुत सारी AMCs अपनी स्कीम्स को नहीं खोल पा रही हैं। कुछ स्कीम्स हैं जो जिनकी लिमिट अब तक पूरी नहीं हुई है, निर्धारित लिमिट के अगर वो नीचे हैं तो उन्होंने अपनी स्कीम्स वापस से खोल दी है निवेश के लिए। लेकिन अब अगर किसी को पैसे लगाने हो तो किस तरह का रूट अपनाना चाहिए? फिर आप क्या ETF के जरिए निवेश करें, क्या वही एकमात्र विकल्प रह जाता है? दो तीन विकल्प है यहाँ पे। एक तो आपने म्यूचुअल फंड तो कह ही दिया, एक ETF भी है और स्टॉक ब्रोकिंग जैसे कि IIFL सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज और दो तीन स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसीज है जिन्होंने स्टॉक कॉल करके और वैसे ही दूसरे विकल्प ढूंढे हैं जिससे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं निवेशकों को कहना चाहूंगा कि IIFL सिक्योरिटीज या आप दूसरे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस को अप्रोच कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो, और हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे आप कौन सा रूट ले सकते हैं। बट अनलाइक बिफोर अब ये बहुत आसान हो गया है निवेश करना इन फॉरेन मार्केट्स। अभी जो ताज़ा बाज़ार की जो स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से मैं समझूँ तो अपने पोर्टफोलियो में किसी को अगर कुछ शामिल करना हो तो कितना एक्सपोजर देना चाहिए? लगभग 5% के आसपास या उससे भी कम? या अगर आप घरेलू बाजार में वेल डाइवर्सिफाइड हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको उस ओर देखने की? मैं टोटली अग्री करूंगा, पर जब अब देख रहे हैं हम लोग कि ग्लोबल मार्केट्स में इतनी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। अगर हम लोग बोले एक साल पहले की बात करें जब US के इन्फ्लेशन दर भी इतने ऊपर नहीं थे और US मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहा था, उस टाइम पे उस रिकॉर्ड लेवल्स पे US में इन्वेस्ट करके कोई
कोई मतलब नहीं था क्योंकि निवेशकों को उस हिसाब का प्रॉफिट मिलता ही नहीं। बट अब जब हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में इतना सेल ऑफ आया है, मैं कहना चाहूंगा निवेशकों को SIP मोड से 3 से 5% तक वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां ग्लोबली ऐसी हैं जिसका प्रभाव सिर्फ उनके देशों में नहीं पूरे विश्व में है। आपको एग्जाम्पल दे तो गूगल आज आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं, अमेजोन की सर्विस हम सब यूज कर रहे हैं। तो ये सारी ग्लोबल कंपनीज जिनका प्रभाव पूरे विश्व में देखा जा रहा है और जो काफी अच्छा भी कर रही है अपने बिजनेस में, अगर आप और मुझे वहां पे एक्सपोजर लेना है तो हम सिर्फ इंडियन मार्केट्स में बैठ करके नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंपनियों में निवेश करने के लिए हमें वहां पे और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा और ऐसे शेयर्स ग्लोबल मार्केट से लेने पड़ेंगे। मेरा मानना यह है कि कोई भी निवेशक 3 से 5%, उससे ज्यादा नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकता है और वो भी SIP मोड से करे, क्योंकि अगले 3 से 6 महीने भी ग्लोबल मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी ही रहने वाली है। शायद US रिसेशन की तरफ जा भी सकता है ड्यूरिंग दिस फेज, तो ग्लोबल मार्केट्स कैसा रुख अपनाएगी ये कहना मुश्किल है। सो डोंट पुट योर एग्स ऑल एग्स इन वन बास्केट, धीरे धीरे करके निवेश करें, बट अच्छी कंपनियों में करें कि आपको लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल में आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं इन कंपनियों में से। अच्छा, इन विदेशी फंड्स में निवेश करने पर आप पर टैक्स किस तरह से लगता है? टैक्स का भी एंगल है मैम। मैं कहना चाहूंगा निवेशकों को कि वो IIFL सिक्योरिटीज या ऐसे ही ब्रोकरेज को मिले और हम आपको एग्जैक्टली पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे पैन आउट होता है। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिला के विदेशी बाजारों में अगर आपको निवेश करने का मन कर रहा है, अगर पोर्टफोलियो में जगह नहीं है तो ज़बरदस्ती आपको इंटरनेशनल फंड को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर 3 से 5% आपको लगता है कि बढ़ाया जा सकता है एक्सपोजर, तो जिन बाज़ारों का जिक्र किया गया है उज्ज्वल के ज़रिए उन पर आप देख सकते हैं। आपको फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके सारे सवालों को शो में शामिल करते हैं, एक्सपर्ट के जरिए आपको जवाब भी दिलवाते हैं। इसी के साथ उज्ज्वल, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला खास पेशकश में और चर्चा की इस मुद्दे पर। थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हम देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब, कराएंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले वो नंबर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जहां पर आपको हमें अपने सवाल भिजवाने हैं, 9619873567 ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का, और यहाँ पर अपने सवाल लिखित रूप में भी आप भेज सकते हैं। अगर आप तो सवाल का वीडियो बनाकर वो वीडियो इस नंबर पर भी अपलोड कर सकते हैं और वो वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे, और साथ ही हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे और आपको देंगे सही सलाह आपके आर्थिक लक्ष्यों के मुताबिक। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब।